देखो कोई भी टेक्निक अच्छी बुरी या बेस्ट वर्स्ट ऐसे नहीं होती है, हर टेक्निक के अपने पॉजिटिव नेगेटिव और सक्सेस रेट है। पिनल इन्वर्जन गोल्ड स्टैंडर्ड है, इतने टाइम से लोग करते आ रहे हैं और काफी सारे इंडिविजुअल को अपने डिसऑर्डर से मुक्त किया गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो उसमें आता है वो कभी कभी पेनफुल कोइटस का या पेनफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स का आता है, क्योंकि वो सिक्रीशन शायद इतने नहीं होते। बट इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉर वजायमोपोज। कोलोन बहुत ही सुंदर टेक्निक है, वो भी काफी आपको स्टर्डी वजाना देती है, बट उसमें क्योंकि कभी कभी सिक्रीशन ज्यादा होते हैं, फिक्यूलेंट स्मेल के होते हैं। देर आर सर सम इंडिविजुअल और पूछते थे सर इसके ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, इससे बेटर क्या हो सकता है, एंड वहां से फिर पीपीवी का जन्म हुआ। सो पीपीवी का प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत लेंथी, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, उसके लिए बहुत सारा एक्सपर्टाइज चाहिए होता है वो डिलीवर करने के लिए। 12 घंटे 10 घंटे चलती है कभी कभी ये प्रोसीजर, लेप्रोस्कोपी टीम इन्वॉल्व होती है, आईसीयू बैकअप चाहिए होता है, और इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी प्रोसीजर है। लेकिन इससे गेन क्या होता है कि लाइक विद लाइक रिप्लेसमेंट मिलता है। जो कैविटी क्रिएशन करने के बाद जैसे एक सिस वजाइना का म्यूकोसा होता है पिंक रिगोसिटी वाला, उन कम मात्रा में सिक्रीशंस देने वाला, वो सारा हम अचीव कर सकते हैं पेरिटोनियम से, क्योंकि पेरिटोनियम एक लेयर है, एक म्यूकोसा है, एक चादर जैसा है जो अपना आप सिक्रीशन निकालते रहता है। और इसमें कहीं इंटेस्टाइन को काट के जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पेरिटोनियम का फ्लैप उठाया पूरा पूरा, और ये डिसेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है, ये उठाया और उसको पूरा पूरा कैविटी में बिछा दिया हमने। सो प्लास्टिक सर्जरी के जो प्रिंसिपल होते हैं शुभी, के लाइक विथ लाइक रिप्लेसमेंट, कि अगर मुझे कोई चीज बनानी है जैसे नेचुरल होती है वैसे बननी चाहिए, तब जाके उसका हम सुंदरता मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहां से हम वो चीज बनाते हैं डोनर साइड मॉर्बिडिटी बोलते हैं, वो सबसे मिनिमम होनी चाहिए। मतलब मैं कहीं से ऐसा हिस्सा निकाल दूं कुछ बना दूं लाइक विथ लाइक, लेकिन वो जहां से मैंने निकाला है वो एकदम दिखने वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, वरना सुंदरता वापस बढ़ गई, या तो मैंने कुछ फंक्शनल लॉस कर दिया उसको गेन करने के चक्कर में। तो ये सारे कुछ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं रिकंस्ट्रक्शन के, उसमें पेरिटोनियम पोर्ट्स को जो प्लास्टिक काफी सारे टिक मार्क्स में आने लगा, कि जहां पे डोनर साइड पेट के अंदर से पूरा पूरा पेरिटोनियम लिया जाता है लेप्रोस्कोपी, तो चार ही डॉट आते हैं पेट के ऊपर लेप्रोस्कोपी के, और उसमें से पूरा पूरा पेरिटोनियम हार्वेस्ट हो जाता है। कोई भी इंटेस्टाइन या दूसरे ऑर्गन को कट करके ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी ऐसा माइक्रोवैस्कुलर या बड़ी टेक्निकलिटी यूज करके यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एनाटॉमिकली ये वजाइना सीधा अंदर और ऊपर जाती है, जैसे सिस वजाइना जाती है उसका डायरेक्शन आड़ा टेढ़ा नहीं रहता, सीधा ऊपर की तरफ रहता है। और क्योंकि हम अंदर का ऑर्गन यूज कर रहे हैं, वजाइना की डेप्थ कितनी रखनी है वो हमारे हाथ में है, पिनाइल स्किन और स्क्रोटल स्किन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर तो 7 इंच 8 इंच तक का वजाइना हम दे पाएंगे अगर हम पेरिटोनियम यूज करें। जैसे कि मैं कह रही एक चीज बोल रहा हूँ वैसे ही, जो इंडिविजुअल्स प्यूबर्टी ब्लॉकर पे है या जिनका सर्कमसिजन हो चुका है या जिनके पास लिमिटेड आउटसाइड टिश्यू है, उनको फिर डेप्थ देना डिफिकल्ट पड़ जाता है पिनाइल इन्वर्जन की टेक्निक से। तो ये सारे कुछ कुछ फैक्टर्स है, हालांकि उसमें फिर ग्राफ्ट यूज करके हम डेप्थ दे सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है, पर ये सारे फैक्टर है कि अंदर की जो लाइनिंग है वो मुझे पेरिटोनियम से मिल जाती है, तो सारा बाहर का टिश्यू मैं एस्थेटिकली यूज कर सकता हूँ, लेबिया माइनोरा बना के, क्लैटरल रूट बना के, वो टिश्यू से मैं वो सारा काम कर सकता हूँ बाहर वाला काम। तो ये पूरा पूरा पीपीवी के ऊपर जो मैंने आपको समझाया संक्षिप्त में, ये है पेरिटोनियम पोर्ट्स वजाइना प्लास्टिक, जहाँ पे पेरिटोनियम का फ्लैप हार्वेस्ट करते हैं लेप्रोस्कोपिक टीम जो मेरे साथ काम करते हैं, वो मैं पूरा बाहर के ऑर्गन्स को डिसमेंटल करते हैं, कैविटी बनाते हैं, वो कैविटी में पेरिटोनियम को बिछा डालते हैं, और फिर बाद में सारा कुछ एस्थेटिकली लेबिया मेजोरा माइनोरा ग्रूव्स क्लैटरल रूट सब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये है पीपीवी।